नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय देश बिहार की ओर देख रहा है। बिहार में दो चरणों का मतदान हो चुका है, 10 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे और कहा जा रहा है कि हमेशा से मगध की जो सत्ता है वह हस्तिनापुर की सत्ता की दशा और दिशा तय करती है। इस लिहाजा बहुत ध्यान से बिहार के चुनाव पर दांव पर दांव खेला जा रहा है। लेकिन इस बार हम बात बिहार चुनाव की नहीं कर रहे, ना ही हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से खुदाई खिदमतगार संस्था के फैसल खान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। वे अमन की बात करने के लिए मथुरा के मंदिरों में जा रहे थे और हर साल का जो उनका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसे फॉलो करते हुए बता रहे थे कि दोनों धर्म एक हैं। इस बार हम आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली के एक इलाके द्वारका की ओर। जी हाँ, वही द्वारका जिसके बारे में दावा है कि वह सबसे सुरक्षित इलाका है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है और वहां पर जो कुछ घटित हुआ, जिस तरह से एक नौजवान लड़की, या यूं कहिए कि नौजवान लड़कियों के एक समूह ने एक ऐसे दोषी को पकड़वाने में मदद की जिसके बारे में शायद आज की तारीख में हम और आप अपने घरों में बैठकर सोच नहीं सकते। सत्रह तारीख को मैं सुबह साइकिलिंग के लिए गई थी। 8:40 से 9 बजे के बीच का टाइम था। कुछ 2 मिनट ये घटना चली और इस घटना में एक गाड़ी मुझे चेस कर रही थी। तो पहले वो हॉर्न मारती, मैंने उसको इशारा करा निकल, फिर वो मुझसे पूछते कि पूछ रहे थे, मैम मैम कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने उनकी तरफ जब देखा तो मुझसे पूछते सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन किस साइड है। और जब तक मैं उनको जवाब देती, मैंने देखा कि उनकी पैंट नीचे है और वो अपना प्राइवेट पार्ट्स रब कर रहे हैं। तो मैंने उसी सेकंड अपना मुंह मोड़ा और उनको कहा निकल तू यहाँ से। और तब तक वो मुझे चेस कर रहे थे, अश्लील कमेंट्स पास कर रहे थे, सेक्सुअल कमेंट्स थे उनके। और फिर मैं आगे आगे चलती गई, हेल्प चलाया, लोग इकट्ठा होना शुरू हुए मेरी तरफ और पता चलता है कि लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी हेल्प की। इतनी देर में वो डर के आगे भागा और देखा कि उसकी कोई नंबर प्लेट नहीं थी, तो उसको पकड़ने का कोई हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का क्यू नहीं था। बस ये पता था कि 2 रास्ते हैं जिन रास्तों से वो गया है और वही मैंने पुलिस के साथ कन्वे करा कि वो 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते गया है। वहाँ जो लोग थे उन्होंने कुछ आपकी मदद की? जी, लोग उसी सेकंड जैसे ही मैं दूर थी उनसे, मैंने जैसे ही हेल्प चलाया लोग उसी सेकंड मुड़ने लग गए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। वो मेरी तरफ आगे आने लग गए, मैं उनकी तरफ आगे बढ़ने लग गई और कुछ 30 सेकंड थे। 30 सेकंड के अंदर अंदर ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ पे एक चाय वाले भैया थे, वो पानी लेकर आए। उसमें से एक शख्स थे जिन्होंने मुझे स्कॉट करा कि मैं सेफली घर तक पहुँच जाऊँ। शिरीन की बात से साफ हुआ कि यह जो पुलिस का अधिकारी है, जी हाँ, पुलिस का अधिकारी जो बिना वर्दी के, बिना गाड़ी में नंबर प्लेट लगाए, खुलेआम सुबह से लेकर रात तक घूम रहा था द्वारका में लड़कियों को शिकार बनाते हुए, यह कितना बड़ा अपराधी है यह तब पता चला जब इस नौजवान लड़की ने अपनी आवाज उठाई, जब उसने अपना जो मैसेज है, अपना संदेश सोशल मीडिया पे डाला, तब 3 लड़कियां इनके पास आईं। उन्होंने मैसेज दिया और उन्होंने बताया कि वही गाड़ी उसी दिन सुबह उनके साथ भी इसी तरह की अश्लील हरकत कर चुकी थी। तब सामने आया कि एक नाबालिग लड़की के साथ भी इसी तरह का घृणित काम इस पुलिस अधिकारी ने किया था। इस अधिकारी की पहचान बहुत बाद में हुई और आप इस समय खबर देख रहे होंगे जिस खबर में पूरा का पूरा ब्यौरा है। और फिर परत दर परत खुलती गई। यह सिर्फ एक घटना है, एक घटना जब बाहर आई तो 5 घटनाएं जुड़ी। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं, पता चल रहा है कि पिछले 2 सालों से यह शख्स इसी तरह के घृणित काम कर रहा था। कितना सीरियल ऑफेंडर है और किस तरह से पूरा सिस्टम इसको बचा रहा था देश की राजधानी दिल्ली में।
इसे लेकर भीषण आक्रोश दिल्ली में आया। हमने बात की एक और महिला से, एक और लड़की से, उन्होंने भी एफआईआर कराई। और सबसे अच्छी बात यह हुई इस मामले में कि 5 या 6 जो भी एफआईआर हैं, वे एफआईआर उन लोगों ने कराई जिन्होंने कभी भी पुलिस थाने का मुंह नहीं देखा था, जिन्हें यह नहीं पता था कि एफआईआर कैसे कराई जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें पता चला कि सिस्टम कितना ज्यादा पीड़ित या जो शिकायत कराने जाता है उसके खिलाफ खड़ा होता है। हर कदम पे बताया जाता है कि तुम चुप हो जाओ, मामला आगे बढ़ाओगी तो कितनी मुश्किल होगी, तुम्हारी खुद की बदनामी होगी। जो आईओज हैं वह इस तरह का काम करते हैं। आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, किसी भी मामले में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसका भी रुख इसी तरह से होता है कि बस कंप्लेन हो जाए, एफआईआर ना हो। एफआईआर इसलिए ना हो, नहीं तो आंकड़े बढ़ेंगे और पुलिस को वह मामला आगे तक ले जाना पड़ता है। आपके साथ क्या हुआ और क्या ये वही व्यक्ति था जिसने बाकी लोगों के साथ मोलेस्टेशन का काम किया? जी मैम, सो ये बात है, 20 तारीख की रात को अराउंड 9:45 पे मैं अपने पति को वॉक के लिए लेके गई थी। जस्ट घर के सामने, अपार्टमेंट के सामने ही थी, इतनी दूर भी नहीं था, दूसरा मतलब उसी जगह पे था। तो एक लड़का गाड़ी में आता है और वो मुझे रोकता है और वो पूछता है, वो ड्राइवर सीट पे बैठा था और उसकी जो पीछे वाली जो विंडोज़ है वो प्रिंटेड थी, तो वो पूछता है कि मैम सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है? तो मैंने बोला कि सर मुझे नहीं पता। देन वो पूछता है कि अच्छा आपको पता है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है? इंग्लिश में ही बात कर रहा था। सो आई सेड सर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 12 है, मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्शन। सो मैंने उनको डायरेक्शन बताई, फिर वो कहता है थैंक यू मैम, तो मैंने वेलकम बोल के मैं अपने आगे चले गई। तो थोड़े आगे एक चौक आता है, तो वहाँ पे चौक पे वापस वो रुकता है आदमी और वो पूछता है कि मैम संस्कृति अपार्टमेंट कहाँ पर है? तब मुझे लगा कि ये थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि ये बार बार पहले मेट्रो स्टेशन का पूछ रहा था, अभी संस्कृति अपार्टमेंट का पूछ रहा है। तो मैंने उसको इग्नोर मारा, मैंने बोला कि सर मुझे नहीं पता, आप अपने फ़ोन पर चेक कर लीजिए। तो कहते कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। फिर मैंने उसको इग्नोर किया और अपने डॉग को लेकर वापस घर की तरफ जाने लगी, उसी रास्ते से गई थी जहाँ से आ रही थी। तो मैं अपने घर पर पहुँचने वाली थी, सेकंड बिल्डिंग था, तो सामने से मुझे गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, सेम ही गाड़ी थी। कुछ मैं रिएक्ट कर पाती या कुछ भी होता है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन वो अपना गाड़ी से ड्राइवर सीट से रॉन्ग साइड से आता है, तो ड्राइवर सीट से हाथ निकालता है और मेरे चेस्ट पे मारता है और मैं बिल्कुल पीछे की तरफ सड़क पे बहुत तेज़ गिरती हूँ और मेरा पपी भी साइड में होता है। तो जो गाड़ी और मेरे बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस गैप था, नहीं तो मेरा सर या मेरा पपी उस गाड़ी के नीचे ज़रूर आ जाता उस दिन। फिर जैसे ही मैं उठती हूँ, अपने पपी को देखती हूँ कि वो ठीक है नहीं है, मेरा बैग भी था मेरे पास, तो मैं बैग को उठाती हूँ। आई वॉज शेकिंग, मैं पूरा मेरी बॉडी धूज रही थी कि मुझे समझ नहीं आया था क्या हो गया, सर पे भी काफ़ी तेज़ लगी थी और बैग पे भी लगी थी। तभी उसी बिल्डिंग का गार्ड बाहर आते हैं और वो बोलते हैं मैम आप ठीक हो? तो उन्होंने सर पे हाथ रखते हैं, देखते हैं कि खून तो नहीं आ रहा। फिर तभी हम नोटिस करते हैं, तब मैं डिवाइडर पे आ गए थे, तब नोटिस करते हैं वो गाड़ी वापस से आती है। तो मैंने ड्राइवर सर को गार्ड सर को बोलते हैं कि सर आप देख लीजिए, इसका नंबर प्लेट नोट कर लीजिए। तो गार्ड सर बोलते हैं कि मैम इसके तो नंबर प्लेट है ही पूरा ब्लैंक है। गाड़ी कौन सी थी आप आइडेंटिफाई कर? वो डार्क कलर की गाड़ी थी, ग्रे ब्लैक कलर में, मतलब रात का अंधेरा था तो वो ब्लैक लग रही थी और हैचबैक थी जी। फिर मैं अपने घर चले जाती हूँ, फिर मेरी दोस्त है उसको मैं बता रही होती हूँ इंसिडेंट कि ये हुआ वो हुआ मेरे साथ, अब क्या करें, हमने कभी पुलिस कंप्लेंट कराई नहीं तो हमें पता नहीं था कि इसकी क्या कार्रवाई होती है। तो हम सोच ही रहे थे कि पुलिस को कॉल करते हैं बट हम क्या बताएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, हमें बस गाड़ी का नंबर भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तभी आधे घंटे के भीतर डोर पर बैल बजती है, तो हम देखते हैं कि 3 पुलिस के लोग थे और गार्ड थे हमारी बिल्डिंग के और उनकी बिल्डिंग के, जहाँ से हादसा हुआ था। तो वो पूछते हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं कराई, आपको कुछ कार्रवाई नहीं करनी, आपने कंप्लेन नहीं करी। तो हम उनको समझाते कि सर हमारे पास पहली बार हुआ और हम सोच ही रहे थे कि क्या करना है आगे। तो तभी वो फिर पूछते हैं कि आप लड़की आप अकेली रहती हो यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ रहते थे। तो उन्होंने कार्रवाई वो लिखवाए स्टेटमेंट, मुझे बोला और बोला कि आप कल CCTV फुटेज देख लीजिएगा उस बिल्डिंग का, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमने कहा ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखवा के वो चले गए। शीरिन का जब ये वीडियो बाहर आया तब द्वारका में खलबली हुई, बहुत वायरल हुआ वीडियो। और शीरिन बताती हैं कि पुलिस वालों को इस बात पर बहुत तकलीफ थी कि उनका वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी पीड़िता जो 2 दिन बाद 17 को उनके साथ हुआ, 17 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को यही शख्स उसी इलाके में
एक और लड़की को शिकार बनाने की कोशिश करता है। वह लड़की जब जाती है थाने में, तब सारी बातें सुनने के बाद वो कहते हैं कि आप कोई वीडियो वायरल मत करिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, हम जांच कर रहे हैं इस आदमी के खिलाफ, हमारे पास काफी कंप्लेंट्स आई हुई हैं। यहां पर जब गुस्सा पनपता है, आप देखिए किस तरह से चीजें चेंज होती हैं, बदली जा सकती हैं चीजें, अगर हम अन्याय के खिलाफ, अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। यह मामला इसकी जीती जागती मिसाल है। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय यह पुलिस अधिकारी तिहाड़ जेल में है। जी हाँ, इसे डिसमिस किया गया है, पुलिस लाइन नहीं भेजा गया या सस्पेंड नहीं किया गया है, इसे डिसमिस किया गया है। लेकिन वो डिसमिस ऐसे ही नहीं हुआ, यह डिसमिस तब हुआ जब द्वारका की महिलाएं, इस पूरे के पूरे इलाके की महिलाएं सामने आईं। उन्होंने पहली बार सामने आकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, उन्होंने साथ आकर डीएम से मुलाकात की और कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हर जगह आपका दावा है कि सीसीटीवी कैमरा है, इस कैमरे से देखा जाए और इस आदमी की पड़ताल हो। और देखिए जब यह दबाव बना, पड़ताल हुई और पता चला कि यह पुलिस अधिकारी है, उसके बाद तो आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। लोगों को लगा कि जो हमारा पब्लिक स्पेस है, महिलाओं का जो सार्वजनिक स्थान है, स्थान पर जो हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमें जो बेखौफ आने जाने की आजादी होनी चाहिए आज के दौर में, वह हमसे छीनी जा रही है। और इसलिए यह तमाम औरतें आई सड़कों पर। हमने इनके घर जाके बातचीत की कुछ महिलाओं से, जो शुरू में बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं, पहली बार सड़कों पर जो महिलाएं उतरी, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वे क्यों आई सड़कों पर और सड़क पर आकर उन्होंने क्या महसूस किया, क्या मैसेज देना चाहा। और बहुत ही दिलचस्प बातचीत हमारी रही जो हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथ एक घटना हुई थी 17 तारीख को। मुझसे पहले उस दिन दो और लड़कियां थीं जिनके साथ एक घटना हुई। क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, यूट्यूबर हूँ, इसलिए एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते मैंने एक वीडियो डाली 18 तारीख को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। 17 को मुझे बोल दिया गया था पुलिस वालों ने कि वो पकड़ा जाना थोड़ा मुश्किल है, और मैंने अभी उनकी बात मान ली। पर 18 को जब वीडियो डाली, मुझे और लड़कियों के केसेस आए, और लड़कियों ने अपना शेयर करा कि उनके साथ भी सेम गाड़ी ने, ग्रे कलर की बलिनो ने, इसी तरह की घटिया हरकत करी थी। तो लगा कि अब केस पुलिस वालों के लिए एक अच्छा एविडेंस रहेगा, जो लड़कियां भी सामने आई हैं। तो मैं पुलिस वालों के पास फिर से गई और उन्होंने अश्योर करा कि उन्होंने 40 पुलिस वाले लगाए हैं इस केस के लिए, और साथ साथ क्योंकि मेरी वीडियो वायरल हुई जा रही थी तो मैं और लोगों के संपर्क में आई, जैसे एक्टिविस्ट हैं शबनम हाशमी जी, उन्होंने मदद करी। हम लोगों ने DCP सर के साथ अपॉइंटमेंट रखी, DM सर के साथ अपॉइंटमेंट रखी, और हमें DM सर से अपॉइंटमेंट के 24 घंटे के अंदर अंदर हमें न्यूज़ आती है कि वो अरेस्ट हो चुका है। अरेस्ट होने के फिर से 24 घंटे बाद हमें पता चलता है वो एक सब इंस्पेक्टर है। तो हमने बहुत ही इनिशियली हमें लगा कि अच्छा ही मॉलेस्टेशन हुई, इसको इससे निकलते हैं, रिपोर्ट करते हैं। बट हमें पता नहीं था कि जो सोशल मीडिया है उसकी इतनी पावर है, अगर हम आके बोलेंगे तो इतने लोग संपर्क में आएंगे हमारे, उनको उससे मैसेज मिलेगा और वो भी अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। क्योंकि एक वीडियो थी, इस वजह से इतनी और लड़कियाँ सामने आई, बहुत लोगों ने अपनी FIR कराई उसके अगेंस्ट, और हमें इंसाफ मिला क्योंकि वो जो अपराधी है वो पकड़ा गया और वो अभी भी पुलिस कस्टडी में है। पुलिस ने क्या आपको कहा कि FIR करानी चाहिए? पुलिस ने मुझे ये कहा था कि 2 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अगर मैं जाऊंगी, अगर मैं फिर से FIR कराऊंगी तो उससे केस पे ओवरऑल इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा और थोड़ा कोर्ट के चक्कर खाने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें लगा कि ठीक है, हम बस ये चाहते हैं कि वो अपराधी है वो पकड़ा जाए, वही हमारा मेन मोटिव है। हम चाहते हैं कि ये जो केसेस हैं वो कम से कम हुए और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं मॉलेस्टेशन की, वो लोग पकड़े जाएँ। तो अगर उन्होंने हमें वो उसी टाइम अश्योर करा तो हम भी तब रुक। कब आपको पता चला कि वह पुलिस का व्यक्ति है? मुझे 25 रात को पता चला कि वो पुलिस का आदमी है, और जब पता चला तो मैं
खुश भी नहीं थी, दुखी भी नहीं थी, मैं बस नम थी क्योंकि पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए है और हम मानते आए हैं कि वो हमारा हमेशा साथ देंगे। पुलिस ओवरऑल अभी भी जैसे इस केस के अंदर DCP सर ने हेल्प करी, DM सर ने हेल्प करी, SHO सर ने हेल्प करी, हम सबको ब्लेम नहीं कर सकते, पर जब वो सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया तो दिल में बहुत घबराहट तो हुई थी। सबसे पहले क्या डर लगा आपको? सबसे पहले डर तो उस टाइम तो बस नमनेस थी, कुछ और समझ नहीं आया, पर एक तरह से अच्छा लग रहा था कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऐसी हरकत कर रहा है तो वो पकड़ा गया और वो सबके सामने है। आपने आवाज़ उठाई और आप FIR तक पहुंची, तब मामला यहां तक पहुंचा। अगर आप घर में बैठ गई होती तो मुझसे मेरे लिए बहुत मुश्किल था घर पे बैठ पाना। तभी मैंने 18 को वीडियो बनाई, जब लगा कि कुछ नहीं हो सकता, कि ठीक है एक मैसेज पहुँचे लोगों तक, बट ये जान के कि और भी लड़कियों के साथ हुआ है, मेरी नींद ख़राब हो गई थी। रोज़ सुबह मुझे उठ के ऐसा लगता था कि पता नहीं आज कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसी हरकत करी होगी, शाम को रात को ऐसा लगता था कि पता नहीं आज कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसा करा होगा। तो ये जो थॉट था वो मुझे ओवरऑल सोने नहीं दे रहा था। मेन मोटिव यही था कि जो भी एक ऐसा इंसान है, क्योंकि वो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका वो फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम था, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के कि उसको कैसे निकलना है, कैसे भागना है, क्या वो हरकतें कर रहा है, उसको पता था वो क्या कर रहा है, उसके बावजूद भी वो हरकतें हो रही हैं, तो वो रुकना चाहिए। तो इसलिए हमारा स्टेप लेना, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि बहुत लड़कियों की जान खतरे में है। तो इसलिए हमारे लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमने इन महिलाओं से राजनीतिक सवाल भी पूछे, अगर आपको ये राजनीतिक लगते हैं। हमने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि नेता बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं। देखिए जवाब क्या रहे, चाहे वो सीमा हो, चाहे वो अनुराधा हो या बाकी अर्चना, इन सब का कहना है कि यह पितृसत्ता को पोषित करने वाली विचारधारा है जो महिलाओं को ही दोषी बनाती है। इस मामले में शिरीन भी बहुत दिलचस्प ढंग से बात करती हैं कि लोग सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने पहना क्या था, और यहां वो व्यंग करती हैं जो बहुत मारक है कि चांस की बात है कि मैं पूरी बांह का टी शर्ट पहनी हुई थी, मैं पैजामा पहनी हुई थी। यानी यह बताने की जरूरत अगर पड़े लड़की को कि वह क्या पहनी थी, इसका मतलब है कि जो हमारी मानसिकता है, यह मानसिकता लड़की को दोषी मानने की मानसिकता है। और इस पर सवाल द्वारका की महिलाओं ने उठाया, जिसे निश्चित तौर पर सराहा जाना चाहिए। ये एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है और इट इज़ टू इनग्रेन्ड हमारे लाइफ में, हमने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे वो लेडी हो या कोई जेंटलमैन हो, हर किसी ने इसको दे हैव यू नो एक्सेप्टेड, एंड आई थिंक दिस हैज़ टू गो, द पेट्रियार्कल माइंडसेट हैज़ टू गो। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन दैट वी सी, कि इससे हमारा फैमिली इफ़ेक्ट होता है, हमारे सोसाइटी में स्टेटस इफ़ेक्ट होता है, और इस चीज़ को आई टोटली डोंट सपोर्ट, दिस हैज़ टू गो। मैं द्वारका की रेजिडेंट हूँ, 2009 से मैं यहाँ हूँ और मैं सेक्टर 11 Pocket 4 से हूँ। तो ये इस तरह के जो शिरीन वाला जो केस सामने आया है, ये आज का नया नहीं है। मैं कॉलेज टाइम से ही ये चीज़ें सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ, और उस ये गुस्सा एक अंदर से हमेशा से यही रहा है कि लड़कियों को ही क्यों ऐसा किया जाता है। होता था, हम लोग बस में ट्रेवल करते थे, शुरुआत मीडियम वर्ग से आती हूँ तो बसों में ट्रेवल करना ये आम बात थी हमारे लिए, कोई गाड़ी या ऐसा कोई सर्विस नहीं थी, तो ये तो रोज़ का ही था, बस में कोई छेड़ रहा है, स्टैंड पे कोई छेड़ रहा है। तो अभी बताया गया कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो, उनकी तरफ देखो मत और आराम से आप वहाँ से निकल लो, तो सेफ तुम्हारे लिए यही रहेगा। तो वैसा ही घर में बताता रहे, घर में बताया गया, मम्मी वगैरह भी वो लोग भी कंसर्न ही होते हैं अपनी बेटियों के लिए, तो वो बताते हैं कि भैया ज़्यादा उनको इग्नोर मारो, उनसे ज़्यादा उलझो नहीं ऐसे लोगों से। तो वैसे ही किया, तो अभी तक तो थैंकफुली ऐसे कोई घटना घटी नहीं मेजर, पर और लड़कियों के साथ जो होता है सुनते हैं
तो एक मन में आक्रोश और रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी क्या गलती है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, रोड पे, कॉलेज में, कैंपस में, घर में, कहीं मार्केट में, कहीं भी हो सकता है और होता ही, हम सब देखते भी हैं पर नज़रअंदाज करते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ जिसमें जिस तरह का आक्रोश आया, लोग बाहर आए और वो व्यक्ति जो दोषी था वो पुलिस का निकला, तो ये कैसे आप देखती हैं कि उसका पुलिस का होना, फिर इस तरह से एक बिना नंबर वाली गाड़ी में चलना, और क्या आपको लगता है कि किसी को पता नहीं होगा पुलिस में कि वो ये कर रहा है? पता होगा, ज़रूर पता होगा, और यही कारण है कि मैं इस कैंपेन से जुड़ी। मुझे लगा कि अब मैं अगर अपना, मैं उतना अच्छा नहीं बोल सकती, आई एम नॉट वेरी गुड इन वर्ड्स, लेकिन मेरा एक जो स्ट्रेंथ है विजुअल है, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे लगा शायद मैं अपनी बात एक विजुअल्स के थ्रू रख सकती हूँ। तो वही है, मैंने पोस्टर्स वगैरह में हेल्प किया है, तो सुना है कि वो लोगों को, लोगों के जहन में उतरा है और लोगों को लगा है कि हाँ वो भी एक बोल्ड एक्सप्रेशन है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी ऐसा कोई बोल्ड विजुअल्स दूँ जिससे लोग उसके साथ जुड़ें, अपने आप को और आगे लेके आएँ, स्पेशली यंग गर्ल्स। तो एक प्रेशर जिन पर रहता है फैमिली का कि आगे मत जाओ, मत बोलो, बदनामी होगी, फैमिली का नाम ख़राब होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लड़कियों के साथ स्पेशली जुड़ी होती है, इवन विद मैरिड इन लॉस में क्या ख़राब होगा, नाम ख़राब होगा, सबसे बड़ा टैबू तो यही है कि नाम ख़राब होगा। मैं यहाँ द्वारका में पिछले 10 साल से रह रही हूँ, सेक्टर 7 में। ये जो अभी असॉल्ट के खिलाफ यहाँ पर मूव हुआ जी, ये कैसे आप देख रही हैं? ये एक ऐसा आइसोलेटेड केस नहीं है, ऐसी चीज़ें हमेशा हम जैसे लोगों को फेस करना पड़ता है, बट हाँ ये इस बार थोड़ा सा अनूठा और अलग तरीके का रहा, क्योंकि इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर इन्वॉल्व था, एक सर्विंग कॉप इन्वॉल्व था, विच वॉज़ वेरी अनयूजुअल इन अ वे। अदरवाइज वी वुड जस्ट मीट रैंडम पीपल ऑन द रोड who would pass comments, who would stalk us, who would touch us, leave, go and mentally exhaust us in a way, because we would have to fight with them on a daily basis in our public spaces. अच्छा ये बताइए कि जो पूरा सिस्टम है, जैसे इसमें भी FIR तुरंत नहीं हुई जी, और अभी भी चिंता है कि चार्जशीट कैसे होगी, ये चिंताएं क्यों हैं? क्योंकि पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है, पुलिस सेंसिटाइज नहीं है। एक विक्टिम अगर उसके पास जाए अपनी व्यथा को लेकर, तो वो विक्टिम से पूछेगी कि आप बताइए क्या हुआ, क्या हुआ। FIR जो एक अनअकंपनीड विक्टिम जा रहा है, वो अपने हिसाब से बस एक कंप्लेन की तरह लिखवा कर आ जाएगा। जनरली समाज में लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि लड़कियों को चुप हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये उनकी इज्जत का सवाल है। ये सवाल आपसे पूछा गया क्या, या आपको किसी ने बोला कि आप ना बोलें? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, मुझ पे बहुत बारी आया कि मुझे चुप हो जाना चाहिए, मैं लड़की हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। मुझे इनफैक्ट ये भी किसी ने बोला कि तेरी शादी कैसे होगी, ये भी बोला, मेरे कैरेक्टर पे भी बात आई, और भी लड़कियों के कैरेक्टर पे बात आती है कि तूने कपड़े कैसे पहने हुए थे, क्या समय था। मेरे केस में सुबह का समय था और मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हुए थे, तब भी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन किसी को हमें देनी पड़े कि क्या समय था, क्या कपड़े पहने थे, वो खुद ही अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा माइंडसेट है, जो विक्टिम्स होते हैं वो पहली बात विक्टिम्स नहीं हैं, वो विक्टर्स हैं, क्योंकि वो सिचुएशन से निकल कर आए हैं। तो एक तरह से उनको विक्टिम बोलना, मुझे लगता है वो ही उनको बहुत ही बेचारेपन में ला देता है। और जब जो विक्टर्स होते हैं जिनके साथ ये मॉलेस्टेशन होती हैं, वो जब कल्प्रिट की तरह जीते हैं, वो और ज़्यादा शर्मनाक बात है कि जैसे उन्होंने कोई गलती करी हो। अगर आपके साथ कोई घटना हुई है तो ये मान लीजिए कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपको अपनी आवाज़ उठानी है जिससे ऐसे अपराधी पकड़े जाएं। जनरली लोग बोलते हैं कि मर्द तो ऐसे ही करते हैं, और तमाम नेता भी इस तरह के कमेंट्स करते हैं। जैसे अभी हाथरस वाला केस हुआ था, तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि माता पिता को अपनी बेटी को संस्कारी बनाना चाहिए, तभी रेप रुक सकते हैं।
रेप तब रुक सकते हैं जब माता पिता अपने बेटों को संस्कारी बनाएंगे। लड़कियों को ऑलरेडी बहुत कुछ बताया जाता है कि तुम ऐसे बात करो, वैसे बात करो, ये ना पहनो, वो ना पहनो। लड़कियां सीख सीख के बहुत थक चुकी हैं। अब आप अपने लड़कों पे ध्यान दीजिए, उनको संस्कार दीजिए, उनको उनका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए कि वो आगे जाकर लड़कियों की सुरक्षा करें, लड़कियाँ भी लड़कों की सुरक्षा करें, दोनों आपस में इक्वली रह पाए। लड़की और उसके फैमिली की बदनामी, और अगर वो इस कैंपेन के साथ जुड़ेंगे तो शायद उन्हें भी ये चीज झेलना पड़े। दे डोंट वॉन्ट टू कम इन द पब्लिक आई रिगार्डिंग दिस मैटर। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एनकाउंटर्ड विद पीपल। और यंगस्टर्स का क्या कहना था? यंगस्टर्स एक्चुअली मैं खुद की बेटी के साथ मैंने बात की, मैंने उसे ये सब चीज़ें बताई, इस तरह की हरकत हुई थी, तो डेफिनेटली दैट आउटरेज वॉज देयर। माई डॉटर इज 16 एंड शी एंड हर फ्रेंड्स, शी पास्ड इट ऑन टू हर फ्रेंड्स ये वीडियो जो शिरीन ने डाला था, और उसके मन में तो बहुत गुस्सा आया, और वो तो पूरा इनकरेज कर रही थी कि हाँ आपको आना चाहिए, ये चीज़ बोलना चाहिए। यंगस्टर्स आपको लगता है कि इस तरह से चुप बैठने को तैयार नहीं है? आई एम हैप्पी टू सी दैट एटलीस्ट द यंग क्राउड, द टीनेज क्राउड जो है वो लोग काफ़ी आउटस्पोकन है इस मामले में, और दे डोंट ट्राई टू हाइड एटलीस्ट दीज इश्यूज। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसी चीज़ें हर लड़की के साथ होती है, ये जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, राइट फ्रॉम मोलेस्टेशन टू ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, रेप्स, आई फील दैट सोसाइटी में इन पर ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि हर लड़की ये चीज़ फेस करती है अपनी लाइफ में कभी ना कभी, और बहुत हेजिटेशन होता है लड़कियों में कि वो आगे आए और इसके बारे में खुल के बात करें। चाहे दो लोग फ्रेंड्स बैठे हों उस टाइम पे हो सकता है डिस्कस हो, पर जैसे ही एक क्राउड आता है या ग्रुप आता है तो ये सब टॉपिक्स दबा दिए जाते हैं। तो आई फील कि इस माइंडसेट को हमें चेंज करना ज़रूरी है, इसके लिए हमें थोड़ा एक कैंपेन करना ज़रूरी है ऑन अ नेशनल लेवल, कि इंडियन माइंडसेट, कॉमन मिडिल क्लास माइंडसेट जो है, जहाँ पर ऐसी चीज़ें बात भी नहीं की जाती है, वी शुड ट्राई एंड रिमूव दिस एज बेस्ट एज वी कैन। खोज खबर के आज के कार्यक्रम में हमने कोशिश की यह सामने लाने की कि जिस समय देश की सत्ता भीषण उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, जब हमारे अधिकारों पर तीखा हमला हो रहा है, उसी समय महिलाओं के जो बुनियादी अधिकार हैं, सुरक्षा के और सम्मान के, उन पर जब हमला होता है तब क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा वाकया, यह पूरा का पूरा घटनाक्रम बताता है कि रास्ते अकेले में नहीं मिलते, रास्ते मिलने के लिए जरूरी है कड़ी से कड़ी का जोड़ना, लेकिन सबसे जरूरी चीज है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों ना हो, अगर अन्याय के खिलाफ इन लड़कियों ने आवाज नहीं उठाई होती, जो कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी थी वह पुलिस शायद कभी नहीं करती। जिस अपराधी के बारे में पता चल रहा है कि वो 2 साल से इस तरह की अश्लील हरकतें कर रहा था और पता नहीं क्या क्या अपराध और कर रहा था, शायद उसका चेहरा हमारे और आपके सामने कभी बेनकाब नहीं होता। इन महिलाओं को, इन लड़कियों को, उनके साहस के लिए सलाम करना जरूरी है कि इस दौर में भी उन्होंने जोखिम उठाकर पर्दाफाश किया उस घिनौने तंत्र का जो लड़की को हर घटना के लिए दोषी ठहराता है। शुक्रिया।